प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। सुबह 11 बजे तक 29.63% मतदान हुआ है। गंगानगर की बात करें तो 31.99% मतदान हुआ है, तो बीकानेर में 28.37% मतदान हुआ है। चूरू में 30.02% मतदान हुआ है, तो झुंझुनू में 28.43% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं सीकर की बात करें तो 30.07% मतदान हुआ है। जयपुर ग्रामीण में 29.68% मतदान हुआ है और जयपुर शहर में 29.43% मतदान हुआ है। अलवर की बात करें तो 30.03% मतदान हुआ है, तो भरतपुर में 29.03% मतदान हुआ है। वहीं करौली धौलपुर सीट पर 27.51% लोगों ने वोट डाले हैं, तो दौसा में 29.97% वोटिंग हुई है। नागौर में 30.31% मतदान हुआ है। अब तक का लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं, 11 बजे तक का आंकड़ा आपको बता रहे हैं, 11 बजे तक प्रदेश में 29.63% मतदान हुआ है। राज्य के करीब 30% लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके हैं, लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति दे चुके हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अनिल जी, क्या कुछ संदेश नजर आ रहा है, जनता जिस उत्साह के साथ पोलिंग कर रही है, क्या महसूस कर पा रहे हैं आप? आशीष, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जैसे मैं मतदान करके आया सुबह जी, तो जिस बूथ पर मेरा वोट था उसी बूथ पर भारत के सीएजी कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जी राजीव महर्षि का वोट था जी, और उनको भी आधा घंटा वेट करना पड़ा और मुझे भी आधा घंटा वेट करना पड़ा वोट देने के लिए जी। ऐसी लाइन तिलक नगर जयपुर के उस सोफिस्टिकेटेड इलाके में लग गई थी जहां पे लोगों को पहले वोट देने के लिए घर से निकाल के लाना पड़ता, लोग निकलते नहीं थे जी। सेल्फ प्रोवोक्ड होकर के बड़े बड़े बुजुर्ग 80 साल के 90 साल के और व्हील चेयर पे चल के और कोई उसके सहारे सहारों से आ रहे हैं लोग, कैसे कैसे आ रहे हैं, और 7 बजे से लाइन लग गई मतदान की। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई सेल्फ प्रोवोकेशन है वोट देने के लिए जी। अब ये सेल्फ प्रोवोकेशन हमारे प्रत्याशियों का तो नहीं हो सकता जो दोनों खड़े हुए हैं जयपुर में जी। तो मैं ये शेयर करना चाहता हूँ, या तो ये मोदी लहर है या ना मोदी लहर है जी, मतलब कोई अंदर इनर करंट जरूर है ऐसा मुझे लगता है जी। और जयपुर में और पूरे राजस्थान में 30% के आसपास मतदान होने की खबर है अभी तक जी। मुझे लगता है आज मतदान का प्रतिशत पहले दौर के मतदान के प्रतिशत से ज्यादा जाएगा। पहले दौर में 68% मतदान हुआ राजस्थान में जी, और मैं पहले से उम्मीद लगा के चल रहा था, आज से पहले भी मैं हमेशा मानता था कि 70% क्रॉस करेगा मतदान जी। धूप जरूर तेज है, चिलचिलाती धूप है, गर्मी है, लेकिन हवा भी चल रही है जी। और जिस तरह लोग निकले हैं सुबह पहले वोट देने के लिए पूरे राजस्थान में, जयपुर शहर के अलावा भी बाहर अलवर में, भरतपुर में, जहां जहां से खबर आ रही है, करौली, धौलपुर, दौसा, सब जगह 30% से ऊपर मतदान हो चुका है जी। तो मुझे लग रहा है 70% मतदान क्रॉस करेगा पूरे राजस्थान में, और ये वो इलाका है जो पॉलिटिकली अवेकेंड इलाका है, बहुत जागरूक लोगों का इलाका है राजनीतिक रूप से, क्योंकि इसी में तो जाट बेल्ट आती है जी। नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर जी, बीकानेर, और इसी में बीकानेर और गंगानगर की एसटी की सीट आती है और एसटी की सीटें आती है, दौसा जैसी सीट आती है जी, जहां पर जातिवाद भी बहुत प्रबल है, गुजर, मीणा और जाट, जाटव, बैरवा, कोली, मतलब ये इलाके हैं, मेव, ये सारे इलाके वो हैं जहां पर जातिवाद बहुत प्रिवेल करता है। और पॉलिटिकली इसको अगर कहना चाहें तो इस सेकंड राउंड में राजस्थान की जो 12 सीटें हैं जी, यहां पर कांग्रेस कुछ ज्यादा उम्मीद से है पिछली 13 सीटों के मुकाबले, और यहां पर मतदान की दिशा भी दूसरी हो सकती है उन 13 सीटों के मुकाबले, और मतदान का प्रतिशत तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि 70 क्रॉस करेगा इन इलाकों में, जिस तरह की प्रत्याशी हैं वो भी, उनका प्रत्याशियों का जो आचरण स्तर और उनकी इलेक्शनियरिंग है जी, वो भी उन पहले वाली 13 सीटों से ज्यादा प्रवोक्ड है, ज्यादा स्ट्रेंथन है, ज्यादा ताकतवर है, और ज्यादा ही एक दूसरे के खिलाफ है जोशीला प्रचार तंत्र यहाँ रहा है जी। इन 12 सीटों पर दौसा को ले लें, चाहे जयपुर ग्रामीण को भी ले लें, जयपुर शहर में उतना नहीं हो पाया प्रचार, लेकिन अलवर में बालकनाथ और
राजा मोहर जितेंद्र सिंह और ये जितनी सीटें हैं, सीकर को ले लें बहुत जबरदस्त, वहां पर चूरू को ले लें, झुंझुनू को ले लें, गंगानगर, नागौर, प्रत्याशी भी दमदार हैं यहाँ पर कंपेरेटिवली ज्यादा जी, पॉलिटिकल लोग ज्यादा हैं चुनाव लड़ने वाले, पहले वाले राउंड में पॉलिटिकल लोग कम थे और पॉलिटिकली अवेकेंट जागरूक मतदाता भी यहाँ ज्यादा है जी, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि आज 70% ज्यादा मतदान होगा। और जैसा हमेशा मैं राजनीतिक समीक्षा में ये बात दोहराता रहा हूँ जी कि पिछली 13 सीटों में जो मतदान हुआ उसकी दिशा अलग रही होगी, नतीजा आएगा तब मेरा अनुमान है ये साबित होगी बात, और ये 12 सीटों में जो मतदान हो रहा है इसके नतीजे थोड़ा सा डिफरेंट दिशा में जाते हुए नजर आएंगे, जब नतीजे आएंगे तब ऐसा पता लगेगा जी। जी अनिल जी, आपका बड़ा अनुभव है राजनीति के अंदर, राजनीतिक विश्लेषण आप करते आए हैं, कई दशकों से आप चुनाव देख रहे हैं, कई दर्जनों आपने चुनाव देखे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के जितना बड़ा चुनाव होता है उतनी ही मतदाताओं की जो जागरूकता है या फिर मतदान को लेकर के जो उत्सुकता है उसमें कमी नजर आती थी, लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसमें उत्सुकता ज्यादा नजर आ रही है। आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चुनाव आयोग ने जागरूकता फैलाने के लिए अच्छे काम किए हैं या फिर अब जो नए उपकरण आ गए हैं, जो जागरूकता के तरीके आ गए हैं उनको लेकर के, या फिर जनता अपने आप सेल्फ मोटिवेटेड होकर के मतदान करने लोकसभा चुनाव में जुट रही है? 2019 का चुनाव आप देख रहे हैं और दर्जनों चुनाव आपने देखे हैं, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस आप देख रहे हैं? देखिए, पहले चुनाव में मतदाता को घर से लाने के लिए मनुहार करनी पड़ती थी जी, कई नानुकर करते थे, कई वाहन मांगते थे, टेम्पो लगाने पड़ते थे, जीपे लगानी पड़ती थी और हाथ जोड़ने पड़ते थे वोटिंग के लिए। आज मैं शहरी क्षेत्र में तो ये देख पा रहा हूँ कि कोई किसी को वोट डालने के लिए नहीं कह रहा, लोग अपने आप घर से निकल रहे हैं। उम्र देख लो आप उनकी, तो उनकी कोई विकलांग है तो कोई चल नहीं पा रहा है, तो कैसे ना कैसे करके लोग वोट डालने आ रहे हैं और अपने आप आ रहे हैं। मतलब कोई कार्यकर्ता भी नहीं दिखा मेरे को ज्यादा बूथों पर, जैसे पहले सक्रियता थी बीजेपी कांग्रेस दोनों की, और इस बार तो कांग्रेस में तो खैर इतना ऑर्गेनाइज होता भी नहीं है चुनाव, लेकिन बीजेपी का बहुत ऑर्गेनाइज चुनाव होता है, पर बीजेपी के बूथों पर भी आज वैसी भीड़ और उस तरह के लोग नहीं थे कि साहब निकाल निकाल के घर से ला रहे हो, अपने आप वोटर चल के आ रहा है। देखिए, ये मैं समझता हूँ आजादी के बाद से पहला चुनाव है जो सोशल मीडिया गवर्न्ड जी, लोगों का माइंडसेट सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने सेट किया है जी। अगर लोग मोदी के साथ है तो भी सोशल मीडिया और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जी लोगों का माइंडसेट किया है, और अगर मोदी के खिलाफ भी हैं तो भी ये सोशल मीडिया और जो टीवी पर लाइव टेलीकास्ट होते हैं, लाइव भाषण आते हैं, डिबेट्स आती है, इनकी वजह से। तो जो ये सेल्फ प्रोवोक्ड वोटर है वो तो मीडिया की देन है जी, ठीक है चुनाव आयोग ने प्रचार किया होगा, लेकिन चुनाव आयोग से ज्यादा प्रचार मोदी और राहुल गांधी का और पार्टियों का जो मीडिया कैंपेन चला, और बिना कैंपेन के भी जो जगह जगह से लाइव टेलीकास्ट हो रहे हैं, भीड़ जुट रही है नहीं जुट रही है, लेकिन लोग टीवी पर देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहसें हो रही है, बातें कही जा रही हैं जी, मजाक भी बनाए जा रहे हैं लोगों के, कुल मिलाकर के ये चुनाव का जो भी मुद्दा खड़ा हो गया, इसका मैं जिक्र भी आज नहीं करना चाहता 5 बजे पहले जी, लेकिन वो जो मुद्दा खड़ा हुआ है वो इतना प्रोवोकेटिव है जी कि लोग उससे प्रोवोक्ड होकर वोट देने आ रहे हैं जी। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने दशकों तक चुनाव की समीक्षा की है, जैसा माहौल देखने को मिलता था दौसा करौली जैसे क्षेत्रों में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होती थी, और आज का जो मतदान हो रहा है उसमें कोई बड़ी राजस्थान में हिंसक घटना देखने को नहीं मिली है, किसी प्रकार की कोई पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा हो ऐसा नजारा देखने को नहीं मिला है, तो इसके लिए क्या जिम्मेदार जो व्यवस्थाएं की है चुनाव आयोग ने, तो ये इसका क्रेडिट चुनाव आयोग को जाना चाहिए या फिर जनता को सेल्फ मोटिवेटेड होने का उनको क्रेडिट जाना चाहिए, ये जो परिवर्तन देख पा रहे हैं आप? चुनाव आयोग की व्यवस्था तो है ही, पुलिस की बहुत अच्छी व्यवस्था है जी, लोग भी पहले के मुकाबले संयत हुए हैं, और जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं जी इस वक्त जी, उनके भी मैं क्या कहूँ, पुराने प्रत्याशियों के बारे में उनके सम्मान में कोई बात कहना नहीं चाहता जी, लेकिन ऐसे प्रत्याशी इस वक्त नहीं है मैदान में जी, जिनका विश्वास बूथ कैप्चरिंग करके और बूथ लूट करके जीतने में हो, ऐसे प्रत्याशी मैदान में नहीं है इस वक्त जी, और कुछ इलाकों में हो सकता है कि बाद में घटनाएं सामने आए जी, लेकिन जो टोंक सवाईमाधोपुर जैसा इलाका था वहां भी हमारे शांति से मतदान हो गया, ये बहुत बड़ी घटना है, दौसा में शांति से मतदान हो रहा है ये बड़ी घटना है, और दौसा और टोंक सवाईमाधोपुर
करौली, धौलपुर, भरतपुर जी, अलवर, अलवर के मेव इलाके जी और जाट बेल्ट, इनमें शांतिपूर्ण मतदान हो जाए तो ये अभी तक बिल्कुल शांतिपूर्ण है। कोई एग्रेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि लोग एक दूसरे के ऊपर आक्रामक हो रहे हों और वोट वोट के लिए झगड़ा हो रहा हो। तो मुझे लगता है कि व्यवस्था भी अच्छी है, चुनाव में लोग परिपक्व हुए हैं मतदाता, ये भी है जी। और जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से हो रहा है काम, ईवीएम से जी, जब बूथ होते थे पहले जहां मतपत्र होते थे तो वहां मतपत्र लेते थे, दवादम दवादम ठोक करके डाल देते थे अंदर जी पेटी में। अब जो सिस्टम है, फोटो भी होती है, आइडेंटिफिकेशन भी होता है, सब चीज होती है, तो ये सिस्टमेटिक हुआ है पहले के मुकाबले जी। और इसके लिए राजस्थान की पुलिस को और चुनाव आयोग को, दोनों को बधाई भी देनी चाहिए हमको जी। पर साथ ही मतदाता को और लड़ने वाले उम्मीदवारों को, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को जी, उनको भी हमें इस बात के धन्यवाद देना चाहिए जी कि अभी तक मोटे तौर पर कोई हिंसा नहीं हुई है जी। बूथ कैप्चरिंग हुई नहीं हुई है तो शाम तक पता लगेगा, लेकिन हिंसा नहीं हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं कि शांतिपूर्ण मतदान है पूरी स्टेट में, पहले चरण में भी हुआ, दूसरे चरण में भी हो रहा है और इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं जी। एक अंतिम सवाल आपसे है, देश में पांचवें चरण का मतदान है, 51 सीटों पर मतदान जारी है और 11:30 बजे तक का लेटेस्ट अपडेट हमारे पास में उपलब्ध है, 26.63% मतदान देश में हो चुका है 11:30 बजे तक। और बात करें 7 राज्यों में बिहार की तो 20.74% लोगों ने वोटिंग की है, जम्मू कश्मीर में 6.09% लोगों ने वोट डाले हैं, तो वहीं झारखंड में 29.49% लोगों ने वोट डाले हैं, मध्य प्रदेश में 27.57%, राजस्थान में 29.33%, उत्तर प्रदेश में 22.51% और सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में 33.19% लोगों ने मतदान किया है। देश में 26.63% मतदान हुआ है पांचवें चरण में 11:30 बजे तक, क्या कहेंगे सर? देखिए जम्मू एंड कश्मीर की तो बात हम भी कर नहीं सकते क्योंकि वहां तो लोकतंत्र के खिलाफ फोर्सेज, ताकतवर फोर्सेज लगी हुई हैं जी, आतंकवादी और अलगाववादी नहीं चाहते कि लोकतंत्र वहां सफल हो जी। लेकिन जितना भी मतदान होता है ये भी बड़ी सफलता है कि हम वोट डालने लोगों को ला पा रहे हैं, लोग आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं जी, वो तो एक्सेप्शनल बात है, उसको तो हमको उस पर किसी अलग दिन किसी दिन बहस की जाएगी जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में कम मतदान होना, बिहार में कम मतदान होना मेरे को आश्चर्यजनक लग रहा है जी। और आश्चर्यजनक इसलिए लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा पॉलिटिकली जागरूक इलाके ये हैं दोनों जी, और बंगाल भी है, नो डाउट बंगाल तो सबसे ज्यादा जागरूक है देश में जी, पर वहां तो ममता बनर्जी एक फोर्स है और उनकी फोर्स की वजह से सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है। लेकिन यूपी और बिहार में कम क्यों हो रहा है ये समझ से परे बात है, या तो मतदान की सूचनाएं पूरी नहीं आ रही है जी, और अगर कम हो रहा है तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि वहां मतदान कम क्यों हो रहा है। चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी जो हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने अपने अनुभव शेयर किए और इस चुनाव को लेकर के अपनी राय रखी।